अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ सबूर अलिका घर की जाने वाली इफ्ताह पार्टी की तमाम वीडियोस और तस्वीरें शेयर करेंगे। बताते चले, सबूर अलिका शादी के बाद के पहला रमजान है और सबूर अली अपना ये रमजान अपने ससुराल में गुजार रही है। सबूर अली और अली इंसानी ने जब एक साथ पहला रोजा रखा और तमाम अदाकारों और मदाहों के साथ अपनी तस्वीर शेयर की तो सब ने दोनों को ढेरों मुबारकबाद दी। और सबूर की दोस्तों और तमाम अदाकारों का यही कहना था कि सबूर अली इंसानी एक साथ पहला रोजा रखने की खुशी में इफ्ताह पार्टी दें। तो सबूर अली ने तमाम अदाकारों को बुलाया अपने ससुराल में, तमाम अदाकारों को काफी शानदार इफ्तारी करवाई जिसकी तमाम तस्वीर शेयर की, जिसमें सजल अली को भी देखा गया। तो तलाक के बाद सजल अली ने इस इफ्तार पार्टी में कैसे शिरकत की दिखाएंगे आज की इस वीडियो में। मगर इससे पहले चलते से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। बताते चले, रमजान मुबारक में हर अदाकारा की कोशिश होती है कि वो कोई ना कोई नेक काम जरूर करे, लोगों के साथ भी शेयर करे। कुछ अदाकारे इस रमजान में गरीबों को इफ्तारी करवाती नजर आई, जैसे कि हानी आमिर जो कि अपनी बहुधा लिबास की वजह से लोगों की नफरत का निशाना बनती रहती है। मगर इस रमजान उसने भी गरीबों में खाना तकसीम किया और लोगों के साथ वीडियो शेयर किया और लोगों ने हानी आमिर को इस बात पर काफी सराहा और लोगों के बेशुमार तारीफ के बाद हानी आमिर रोने भी लगी। मैंने कोई इतनी अच्छी चीज तो नहीं की, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया सब। काशिप भी रोना था, एक सीक्रेट है कि काशिप भी रोना था पीछे। जबकि कुछ अदाकारे दूसरे अदाकारों की इफ्तारी करवाती हुई नजर आई, जैसे कि सबूर अली ने सजल अली, सादिक गफार, ईमान खान और मीनाल खान की इफ्तारी करवाई। तमाम अदाकारे जब सबूर अली के ससुराल पहुंचे तो सबूर अली ने सबके लिए अपने हाथों से इफ्तारी तैयार की और सजल अली तो इस इफ्तार पार्टी पर भी क्यामत ढाती रही, जिस पर लोगों ने सजल अली पर काफी तनकीद भी की कि सजल अली को इद्दत पूरी करनी चाहिए थी, ना कि सजल अली को इस तरह से अली अंसारी और तमाम दूसरे अदाकार दोस्तों के साथ सबूर के घर इफ्तारी करनी चाहिए थी। आप लोग इस बारे में क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपने ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।